अब देखिए हमारी आलू वड़ी तैयार हो गई है और मैंने अभी इसमें ये सजाई है। ये देखिए ये प्लेट में 1, 2, 3, 4 ये तो मैंने खोबरा डालकर सजाई है और ये एकदम सादी। आप इसे पाथरड़ो बोलो, आप इसे आड़ू वड़ी बोलो, आप कुछ भी बोलो, ये बहुत अच्छी बन गई है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर जरूर कीजिए। थोड़ा सा फ्यूज़न रेसिपी है, लेकिन क्या है कि जो हम लोग करते हैं प्रांतीय पदार्थ तो उसमें अलग अलग बेसन डालने के बजाय मैंने चने की दाल और 2-4 जाले डालकर ये मैंने रेसिपी बनाई है। तो धन्यवाद, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर जरूर कीजिए और मेरा हमेशा का खंडा बनाइए, खाइए, खिलाइए और आपकी गुल्ली को अच्छे अच्छे कमेंट्स दीजिए। धन्यवाद।